निर्देश के बाद अवैध बियर बार हुक्का बार में पुलिस की दबिश। शहर के विभिन्न इलाकों से दो दर्जनों से ज्यादा नशेड़ी चढ़े पुलिस के हत्थे। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अवैध बियर बार हुक्का बार में पुलिस की दबिश। शहर के विभिन्न इलाके से दो दर्जन से ज्यादा नशेड़ी चढ़े पुलिस के हत्थे। हुक्का बार अवैध बियर बार पर पुलिस का छापा, दो दर्जन से ज्यादा नशेड़ी पुलिस की गिरफ्त में। पुलिस कप्तान ने मेरा रीवा सुरक्षित रीवा को लेकर 947-999-7171 नंबर जारी किया। आम आदमी इस नंबर पर सूचना देकर नशे के खिलाफ अभियान में हो सकता है शामिल, उसका नाम गुप्त रखा जाएगा। रीवा जिले में इन दिनों अपराधियों के साथ पुलिस भी सक्रिय। अपराधी अपराध करने से बाज नहीं आ रहे तो पुलिस अपराधियों को पकड़ने से नहीं चूक रही। पिछले दिनों की वारदात को देखकर हम कह सकते हैं रीवा ने किसी क्षेत्र में विकास किया हो या ना किया हो, लेकिन अपराध और मादक पदार्थों के सेवन में जरूर विकास कर रहा है। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू का नशा छोड़कर आप कोरेक्स, अफीम, चरस जैसे महंगे नशे भी युवक करने लगे हैं। विगत एक वर्ष से रीवा जिले में हुक्का बार का प्रचलन बढ़ा है। समय समय पर पुलिस ने कार्रवाई की है, लेकिन इन हुक्का बार पर रोक नहीं लग सकी। पिछले दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की पुलिस को नशे के खिलाफ सख्त अभियान चलाने के निर्देश दिए थे, जिसके चलते मुख्यमंत्री के निर्देश पर अमल करते हुए रीवा पुलिस ने विशेष अभियान चलाया, जिसमें आधा सैकड़ा से अधिक नशा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिसमें कई हुक्का बार संचालक भी फंसे। माना जा सकता है यह कार्रवाई लंबे समय तक चली तो निश्चित रूप से नशे पर रोक लग सकती है। आम आदमी मानता है अगर पुलिस अपने पर उतर आए तो नशेड़ियों के खिलाफ अभियान को उसको बेहतर सफलता मिल सकती है, लेकिन दबी जबान से लोग यह भी कहते हैं पुलिस ही नहीं चाहती नशे के खिलाफ अभियान सफल हो। फिर भी कहा जा सकता है पुलिस कप्तान के निर्देश पर बीती रात पुलिस को बेहतर सफलता मिली। अब देखना दिलचस्प होगा पुलिस का यह अभियान कब तक और किस तरीके से चलता है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए निर्देश के पालन में कल शाम से हम लोगों ने विशेष अभियान प्रारंभ किया है। नशा मुक्ति का यह अभियान, उसके तहत जितने भी कोरेक्स, गांजा, अवैध शराब की जानकारियां हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ हुक्का बार को भी टारगेट किया गया है, और साथ ही जो भी शराब दुकान के बाहर खड़े होकर या अन्य किसी स्थल पर बाहर खड़े होकर शराब पीते हैं उनको भी टारगेट किया जा रहा है। जैसा कि आपने देखा कल शाम की कार्रवाई में काफी संख्या में इस प्रकार के केसेस बने हैं। हमारा टारगेट है कि आज भी हमारे सभी थाना स्टाफ लगातार इस पर लगकर कार्रवाई करें। इसके लिए हमने एक और प्रयास भी किया है। कई बार हम देखते हैं कि आम जन भी काफ़ी जानकारी रखता है परंतु वो पुलिस के पास पहुंच के दे नहीं पाता या देने में विलंब हो जाता है। इसके लिए हमने एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है 947-999-7171। ये हेल्पलाइन नंबर को हम लोग लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से और समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचारित कर रहे हैं। इस पर जो भी व्यक्ति सूचना देगा उसका नाम और नंबर गोपनीय रहेगा और तत्काल हमारी टीम कार्रवाई के लिए थाने को भेजेगी। अगर थाना स्तर पर कार्रवाई नहीं होती तो हम लोग स्पेशल टीम लगाई कार्रवाई कराएंगे और जनता की प्रत्येक सूचना को तस्दीक किया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। इसका काफी सहयोग हमको इसमें मिलेगा।